नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं श्रेय शुक्ला, सत्यमेव जयते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सत्यमेव जयते का शतक पूरा हो रहा है और इस शतक को पूरा करने में आप सबका बहुत सहयोग मिला है। आप सब ने इस शो को देखा है और अब हम शतक से आगे की मुहिम को जारी कर रहे हैं। नए कलेवर पर तेवर वही रहेंगे, आपकी आवाज़ यानी आपके मन की आवाज़, आपके मन तक पहुंचना और फिर आपके जो कोलाहल हैं उनको हल करना, और अगर कोई मुद्दा है तो उसको आंदोलन बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की वजह से हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं जो थोड़ा खबरों से अलग हटके है। लेकिन हर चीज़ में पत्रकार खबर ढूंढता है, तो हम भी खबर ज़रूर ढूंढते हैं, लेकिन ऐसी खबर ढूंढते हैं जो ज़िंदगी बदल दे। और कोशिश हमारी यही है कि हमारे देश, हमारे समाज और हमारी सोसाइटी बदले, उसकी तस्वीर बदले, उसके बगिया में सिर्फ फूल ही फूल खिलें। और जब फूल खिलते हैं तो महक अपने आप आती है, और जब महक आती है तो दिल खुश हो जाता है, सुकून मिलता है। और उस हवा की बयार में हम सब मिलकर बहुत ऐसे काम कर जाते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। और हिंदुस्तान वैसे ही गवाह है, हिंदुस्तान गवाह है कि हमने बड़े बड़े इतिहास रचे हैं, बस थोड़ा सा हम भूल गए हैं। हमने बहुत कुछ दिया है, हमने भाषा दी है, संस्कृत से ही सबकी शुरुआत हुई है। मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं कि अपने रत्नाकर के रहते किसकी धारा के बीच बहें, हम इतने निर्धन नहीं के वाणी पर औरों के ऋणी रहें, हमसे प्रतिबिंबित है अतीत, आधार दे रहा वर्तमान, तन मन धन की अभिलाषा का आवाहन, अपनी भाषा का आवाहन, अपनी संस्कृति का आवाहन, अपने देश का आवाहन, अपने प्रदेश का आवाहन, अपनी जनता का। जब ये आवाहन होता है तो फिर एक सैलाब उठता है और वो बोलता है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद के अंदर अपने आप एक सच्चाई छुपी होती है और वही सच्चाई बोलती है सत्यमेव जयते। दिल्ली के एल्कॉन स्कूल में पढ़ने वाली नवी कक्षा की छात्रा की खुदकुशी, टीचरों पर फिजिकल और मेंटल असॉल्ट का आरोप, आखिर नन्ही सी उम्र में बच्चे क्यों कर लेते हैं खुदकुशी। और ये जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है समाज का, इसमें बच्चे लड़ने के बजाय क्यों हार जाते हैं। एक उम्र जिसमें मन कल्पना की उड़ान भरता है, जब सपनों की एक दुनिया हर पल आसपास सांसें लेती रहती हैं, जब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ों में दुनिया की हर खुशी मिलती है, एक ऐसी दास्तां जिसमें अल्हड़पन पलपता है, जब एक बेवजह जुनून का एहसास मन को हिलोरे देता है, वो उम्र जिसमें घड़ियां थकती नहीं, घड़ियां चलती रहती हैं, या यूं कहें कि हम नहीं थकते, घड़ी तो शायद थक भी जाती है जब उसका सेल वीक हो जाता है, लेकिन जो बचपना है, जब हम बढ़ते हैं, अपनी जो टीन एज है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो हम थकते नहीं, एनर्जी का एक अंबार होता है, जब सांसें आपस में चिपकती नहीं। बचपन की इस बेफिक्री में अगर आप सुसाइड कर लें, अपनी जान खुद ले लें, तो सोचना होगा कि आखिर क्या होता है ऐसे बच्चों के मन में। उन्हें शायद ऐसा लगने लगता है कि मेरी किसी को फिक्र नहीं है, या उनके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है, या उनका दर्द इतना गहरा है कि उनकी आत्मा तक कचोट जाती है।
किसी को दर्द नहीं दिखता और किसी को उस आत्मा की छटपटाहट नहीं दिख पाती, तो फिर आखिर में बच्चे ऐसे कदम उठा जाते हैं। उन्हें एक सीमा के बाद लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जबकि हमेशा रास्ता होता है, रास्ते कभी बंद नहीं होते। हमारी परवाज बंद हो जाती है, हमारी आवाज़ धीमी पड़ जाती है, हमारा जो पथ है वो भ्रमित हो जाता है। एक गाना याद कीजिए, जीने के लिए सोचा ही न था कि दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराएं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। और एक गाना है कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, इसी को जिंदगी कहते हैं। और एक गाना और मुझे याद आ रहा है कि ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे गम को गले से लगाया है। तो जब जो मिले उसको गले से लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि जिंदगी हैरान कर रही है तो आप जिंदगी के उतने ही करीब होते हैं, आप सीख रहे होते हैं कि कैसे जिंदगी जी जाए। वहीं आप जिंदगी का साथ छोड़ दें तो इससे बड़ी गलती कोई नहीं है। आप जिस हिम्मत से सुसाइड करते हैं उसी बेहिसाब हिम्मत से जिंदगी से लड़ सकते हैं। नोएडा के सेक्टर 52 की लड़की ने जैसे खुदकुशी की, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए। उन नीच लोगों का मैं क्या कहूं जिन्होंने इस छोटी सी बच्ची को इस हालत में कर दिया कि उसको खुदकुशी करनी पड़ी। उनकी आंखों में एक वहशत जरूर रही हुई होगी जिससे वो बच्ची डर गई। बुरी नजर से परिंदे का पर न जल जाए, नजारा देखने वाले नजर न जल जाए, शायद यही कुछ कहने का मन करता है। लेकिन बेटी, तुम्हें ऐसे नहीं हारना था, तुम्हें उनसे लड़ना था और उनको मुंह तोड़ जवाब देना था। आज यह खबर, मैं आज इसलिए सिर्फ इस खबर की चर्चा कर रहा हूं, यह सुर्खियों में रही है, लेकिन सुर्खियों में खबर रही है कि इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इन पे मुकदमे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारी बेटी, हमारे बच्चे बेशकीमती हैं, हम उनको ऐसे नहीं जाने देंगे। और जो लोग इस तरह की घटना करते हैं या इस तरह से छोटे से मन को प्रभावित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनके लिए हमको पैदा करनी होगी अपने बच्चों के अंदर ताकत और वो विश्वास जो एक माँ बाप के साथ होता है। हमने कभी ये सोचा नहीं होता है कि हम इस स्कूल के बाद कोई और ज़िंदगी भी है। हमें लगता है नॉर्मली कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम यानी माँ बाप, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा थोड़ा सा रुको, हो सकता है कुछ हो, यहाँ पे प्रिंसिपल ने नहीं मिलने दिया। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने नहीं मिलने दिया तो फिर उसके खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाइए और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये दोषी हैं तो ये सज़ा के हकदार हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जुर्म है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम ऐसे वैसी लोगों से अपने बच्चों को बचा जरूर सकते हैं अगर आपने उनके अंदर हिम्मत, हौसला और लड़ने की ताकत दी हो। आज मैं इस खबर की एनालिसिस करूंगा और मेरे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर देबाशीष शुक्ला। ये आज के मेरे एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ बात करेंगे बच्चों से, क्योंकि आज का जो दिन है वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा है, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ होता है तो मन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही हमारा भविष्य है। हमने जो राह तय कर ली वो तय कर ली, लेकिन देश को, इन्हीं बच्चों को राह तय करवानी है। सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा, उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करूंगा। सवाल यह है कि क्योंकि खुदकुशी, स्कूल के दो मेल टीचर लड़की को बदनीयती से छेड़ते थे, लड़की को बार बार फेल करने की धमकी दी जा रही थी, लड़की 9वीं क्लास में एक बार फेल हो चुकी थी, लड़की को 2 सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया, ये आरोप है। उसने कहा था कि दोनों टीचर मुझे पास नहीं करेंगे, यानी कि उसको पहले से ही अंदेशा था, और उसके माँ बाप बताते हैं कि 7 नंबर दिए सिर्फ। इसकी वजह से वो तनाव में थी, उसने अपनी कॉपी में लिखा था, उसने लिखा था कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं डम हूँ। उसके परिजनों ने कहा था कि टीचर जब जब उसे छूते हैं
परिजनों ने उसकी बात पर उतना ध्यान नहीं दिया जितनी ध्यान देना चाहिए। वो कहते थे कि गुरु के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनकी भी अपब्रिंगिंग ऐसी ही होगी कि उनको विश्वास होगा कि गुरु गुरु होता है, वो कैसे बदनीयति से बद नज़र हो सकता है। लड़की ने हताश होकर निराशा में सुसाइड कर लिया। अब अगर बात करें तो कानून की भाषा में धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, सज़ा है 10 साल की जुर्माना। ये गैर जमानती अपराध है और इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। 506 यानी धमकी देना, मारना, चोट पहुंचाना और 7 साल की सज़ा है। ये भी एक जमानती नॉन कॉग्निजेंट अपराध है। तीसरी एक धारा उसके ऊपर लगाई गई है 354, महिला से छेड़छाड़ की नियत से हमला, 1-5 साल का कैद और जुर्माना। 7/8 पॉक्सो एक्ट, बच्चों के लिए ये अलग कानून बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसमें उम्र कैद तक की सजा है। यौन अपराध, छेड़छाड़, अश्लील चित्र या वीडियो बनाना, पीड़ित का आरोप लगाना ही पर्याप्त है। इस कानून के पीड़ित को सुरक्षा मिलती है। अब इस कानून के पीड़ित को सुरक्षा मिलती है, ये कानूनी एस्पेक्ट है, लेकिन मैं आज इसके कानूनी एस्पेक्ट पर उतना बात नहीं करूँगा जितना बात करूँगा अपने बच्चों से, यानी जो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे स्टेट के बच्चे हैं, और उनको ये बताने की कोशिश करूँगा, उनको ये समझाने की कोशिश करूँगा। उनके माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी खबर है कि आप ऐसी स्थिति में बच्चे के लिए ढाल बन जाए। स्कूल बहुत मिलेंगे लेकिन वो बेशकीमती हीरा अगर चला गया वो कभी नहीं मिलेगा। तो कभी किसी स्कूल का स्टैंडर्ड देखकर आप सरेंडर नहीं कीजिए। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर देवाशीष शुक्ला का स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आज की एक खबर जो हमने आप चर्चा की, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि ये बच्ची किस अवसाद में चली गई होगी कि उसने सुसाइड किया, जबकि एल्कॉन एक बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कूल है, वहाँ पे वो पढ़ रही थी और टीचर जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे वो मुझे नहीं लगता कि एक दिन का व्यवहार होगा, वो बहुत दिन से इस तरह से चल रहा होगा। तो जाहिर सी बात है श्री जी कि जिस तरीके की ये घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है। सेकेंडरी जो एक सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, सुसाइड अटेम्प्ट करना अपने आप में समझिए कि ये सीवियर डिप्रेशन लेवल की चीज़ है। मॉडरेट लेवल से ऊपर डिप्रेशन है उसको, और वो डिप्रेशन कहीं ना कहीं घर वालों को असेस जरूर कर लेना चाहिए था, जो उसके व्यवहार के द्वारा, उसकी बातचीत के द्वारा लोगों को समझना चाहिए था। और ये कहीं ना कहीं उसने ये लक्षण जाहिर भी किए होंगे, जैसा कि मैं अभी न्यूज़ देख रहा था उसमें शायद उसको फेल करके कुछ 7 नंबर 10 नंबर ऐसे दिए गए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स के लिए और फादर मदर के लिए, इन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सुसाइड अपने आप में ही एक समझिए कि डिप्रेशन की सबसे सीवियर लेवल होता है जी। डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है कि बच्चे ने अगर जाहिर नहीं किया है, लेकिन बच्चों को हम सलाह तो दे सकते हैं, बच्चों को हम बता तो सकते हैं कि हमको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये एक केस नहीं है। इससे पहले भी हमने तमाम केस देखे हैं, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि बच्चा अचानक से टूट जाता है क्योंकि वो उसकी टूटने की उम्र नहीं होती। और जितना मैंने देखा है, समझा है, बच्चों के अंदर जितनी एनर्जी होती है शायद हमारे आपके अंदर नहीं होती होगी। सर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें हम लोगों को बड़े ही बेसिक लेवल पर शुरू से ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पेरेंट्स हैं उनको पेरेंटिंग जो एक शब्द है उसमें उनको नर्सरी लेवल से ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी बच्चा, जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली में हो या ज्वाइंट फैमिली में हो, तो उसका संस्कार ही आगे चल के उनकी इन चीज़ों की तरफ डेवलप होता है। कुछ बच्चे होते हैं बचपन से ही इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे बच्चों पर ही ऐसे स्कूलों में और इस तरीके के टीचर्स जो हैं थोड़ा बदनीति का दिमाग लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बच्चा कुछ बोलेगा नहीं, ये इस क्लास में इस तरीके से है तो आगे भी ऐसी दिक्कत, इसके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो ये कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा जी। तो डॉक्टर साहब मैं आपको बीच में रोकूंगा, क्या आपको लगता है कि इस तरह के बच्चों को टीचर, क्योंकि वो एक व्यस्क है, वो पहचान जाता है कि ये कुछ बोल नहीं पाएगा बहुत ज़्यादा, तो ऐसे बच्चों को या बच्चियों को टारगेट करते हैं इस तरह के जो गलत मानसिकता वाले या कहें विकृत मानसिकता वाले जो लोग होते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऐसी गंदी मानसिकता के लोग ऐसे बच्चों को ही मैक्सिमम टारगेट करते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली पेरेंट्स को,
उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, उनसे डिस्कशन करने की ज़रूरत है, उनसे बहुत ही फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, और बच्चे को हमेशा एक बेस देने की ज़रूरत है कि उसके पीछे एक स्ट्रांग पिलर की तरह उसके पेरेंट्स हैं जो किसी भी तरह की मुसीबत में उसका साथ देंगे। जब इस तरीके की भावनाएं बच्चों के दिमाग में रहेगी, तब वो अपनी जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है जिसका लोग दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, जब वो फ्रेंडली रहेगा घर में अपने पेरेंट्स के साथ, तो शायद वो अपने दिन भर की घटना, अपनी इन चीज़ों के बारे में घर में डिस्कस करेगा। एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक बात हम लोगों ने देखी कि जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, एक बार एडमिशन दिला दिया, फिर उसके बाद पेरेंट्स को लगता है कि अब मैं बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैंने कुछ अगर बोला पहले, इस कोई घटना से पहले कुछ बोला, ज़्यादा मैंने बात की, तो मेरे बच्चे को निकाल देंगे। तो ये एक मानसिकता से कैसे हम लोग को निकलना चाहिए, और माँ बाप आजकल इस तरह की मानसिकता से ग्रसित क्यों है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं घटना के बाद रिएक्ट करते हैं माँ बाप, यानी जब सब चला जाता है। हाँ सर, वो एक जैसा आजकल स्कूल कॉलेजेस का जो सिस्टम चल रहा है, स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए किस तरीके से माँ बाप परेशान होते हैं, किस तरीके से लोग दुखी होते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो जाए, जाहिर सी बात है उस एडमिशन के बाद वो उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन मुझे लगता है इन चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की, फोकस करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों के साथ उनके जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके क्या क्या दोस्त। लेकिन टाइम किसके पास है डॉक्टर? टाइम सर देना पड़ेगा, नहीं टाइम देंगे तो ऐसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जाएंगी। क्योंकि बच्चों को तो आपको बच्चों के जीवन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके कौन से दोस्त हैं, कैसे लोगों के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके दोस्तों की क्या फीलिंग्स है, ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। जी, ये तो हमने माँ बाप का रोल बता दिया, हमने बता दिया कि बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए और डटकर मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल सही है, डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ख़राब हो रही है, हम सारी सोसाइटी को देख नहीं सकते कि कौन किसके मन में क्या चल रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि लड़ने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, आपने रेयन स्कूल की घटना सुनी होगी, मतलब दिल दहलाने वाली घटना थी वो, उसके बाद फिर और भी घटनाएं हुई जो स्कूल के अंदर हुई, तो क्या एज ए मनोचिकित्सक आप उन स्कूल को या उसके मैनेजमेंट को ये कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि उनका काम सिर्फ मोटी मोटी फीसें वसूलना है? सर, जाहिर सी बात है अगर उन्हें अपने स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा रखना है तो ऐसी घटनाएं उनके स्कूल में ना हो, इसके लिए उन्हें काफ़ी बड़े लेवल पे प्रयास करना पड़ेगा। हर स्कूल में एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेंगी, स्पेशली जो हर हफ्ते होनी चाहिए, जिसमें कम से कम एक काउंसलर या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बच्चों से क्लासेज में उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे, कोई ड्राइंग ही मान लीजिए, ड्राइंग कराई गई तो ड्राइंग से भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो है वो बच्चों का एग्रेशन के बारे में या उनके अंदर का जो डिप्रेशन है उसके बारे में काफ़ी कुछ असेस कर लेते हैं। तो एक उन्होंने एक्टिविटी भी करा ली स्कूल में, उससे दूसरे लोगों ने असेस कर लिया कि नहीं इस बच्चे में कुछ चेंजेस लग रहे हैं ऐसे, तो इसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो बड़े स्कूल में अगर बड़ा नाम है तो फिर उनको अगर क्लासेस और पढ़ाई के साथ साथ टीचर्स पे ध्यान रखना चाहिए। मेल टीचर्स के लिए सर, बस एक मेल टीचर्स को जो है स्पेशली सिर्फ पढ़ने के लिए ही रखना है कि पढ़ाना है उन्हें, और एक डिस्टेंस के साथ पढ़ाना है। मैं आपको रोकूंगा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा अभी सर, और बात ये करते हैं कि सुसाइड क्यों करते हो, लड़ो, ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है, और ये हर एक माँ बाप का, हर एक दोस्त का, हर एक साथी का मानना है। कुछ भी हो जाए, आपको फेल कर दें, फिर भी परीक्षा के नंबर आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं है। ज़िंदगी होगी तो फिर परीक्षा आएगी, फिर परीक्षा आएगी, लेकिन ऐसे नहीं हारना है। ज़िंदगी में फेल होना आपको नई सीख देता है। अगर आपके नंबर सच में भी कम आ रहे हैं तो ज़िंदगी से बड़ी नियामत नहीं है। ज़िंदगी आपको बहुत मौके देती है, क्लास आपको मौके नहीं देती है। फेलियर को अपनी ताकत बनाएं और अगली बार बेहतर करें। फिजिकल कोई परेशान करे तो माँ बाप को ज़रूर ज़रूर और ज़रूर बताएं। माता पिता भी नहीं सुनते हैं तो पुलिस की मदद लें। किसी समस्या से भागे नहीं, उसका डटकर मुकाबला करें। आपको ये सीखना पड़ेगा, और ये सीखना कोई खराब काम नहीं है। सिर्फ एलजेब्रा और ज्योग्राफी जिंदगी में ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आपके अंदर हौसला और एनर्जी कितनी है। अगर आपके अंदर हौसला होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, सब्जेक्ट में अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, और
मैं अगर जिक्र करूं छात्र कितना खुदकुशी कर रहे हैं, 2014 से 16 के बीच में 26,000 छात्रों ने खुदकुशी की, हर दिन 24 युवाओं ने खुदकुशी की, मतलब हर घंटे एक युवा अपनी जान दे रहा है। ये गृह मंत्रालय में आंकड़े पेश किए गए। 2016 में 9,474 छात्रों ने आत्महत्या की, 2015 में 8,934, 2014 में 8,068, मतलब 3 साल में ये टेंडेंसी बढ़ी है। फेल होने पर खुदकुशी के मामले, 7,462 बच्चों ने परीक्षा में फेल होने पर खुदकुशी कर ली, 2400 छात्रों ने फेल होने पर आत्महत्या की हर साल, और इसमें स्कूल और कॉलेज के दोनों ही तरह के बच्चे शामिल हैं। और बात करते हैं क्यों है, खुदकुशी क्यों करते हैं, हम लोगों ने इस पर जिक्र भी किया डॉक्टर साहब के साथ, पढ़ाई का बोझ। रिसर्च में बताया गया कि रैगिंग भी बड़ी वजह होती है, और जिस तरह से आजकल स्कूल मैनेजमेंट पेश आ रहा है उससे वो भी बहुत बड़ी वजह होती है। और अगर बात करें गोयाना की, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, उसके बाद दक्षिण कोरिया, श्रीलंका में है, सुरीनाम में है, तंजानिया में ही, लेकिन ये सब वो देश हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए देश हैं, और उसमें हमारा भी नंबर आता है, जो हमारे यहाँ भारत में 21.1 प्रतिशत है खुदकुशी जो बच्चे कर जाते हैं। तो ये हमारे लिए ज़ीरो पे लाना होगा, ज़ीरो पे लाने के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा, और बहुत कुछ माता पिता को सीखना भी होगा कि स्कूल ज़रूरी नहीं है, अपना मेरा बच्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, ये बच्चा देश का है, और देश की जो एक बेशकीमती सौगात है उसको आपने अपने घर में रखा हुआ है, और उसको ऐसे नहीं जाने देंगे, और ऐसे स्कूल वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आखिरी आपसे पूछना चाहता हूं कि टीचर्स को आपको लगता है कि पढ़ाई की जरूरत है, उनको भी पढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, क्योंकि ये एक नए तरह की चीज है। हाँ। कि उनको खासतौर पर सेक्रेटरी, यस सर, एक डिपार्टमेंट के लोग जाने चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, और खासतौर पर जहां पर लड़कियां पढ़ती हैं वहां पर तो बहुत ही ज्यादा जरूरत मुझे लगती है। जी सर, ऐसा है कि कुछ क्लासेस आजकल ऐसी शुरू की गई हैं, कुछ स्कूल्स ने भी ऐसी पहल की है कि अपने टीचर्स का भी उन्होंने इवेल्युएशन कराना स्टार्ट किया है, उनका सेक्रेटरी के इवेल्युएशन करा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उनका टेंडेंसी ऐसे बच्चों के प्रति या ऐसी विकृत मानसिकता के हैं, कि वाकई वो पढ़ाने की स्थिति में हैं वो लोग या नहीं है, कि सिर्फ एक टीचर का तमगा लेके उन्होंने बस सैलरी ले रहे हैं। तो ये एक पहल शुरू की है, और जो बड़े स्कूल हैं या छोटे स्कूल हैं, इन सबको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, और स्कूल में साइको जो अपना सेक्सुअल एजुकेशन है, साइको सेक्सुअल एजुकेशन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी काम जो हम लोगों को लगता है कि उसमें बच्चे चूँकि बड़े ही भोले भाले मन के होते हैं, वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, तो पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा है जी, उसके बाद समाज का। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने तमाम टिप्स दिए बच्चों को और उनके माता पिता को, ये हमें हमेशा याद रखना है, और याद रखना है कि किस तरह से हम इन परिस्थितियों से लड़े, इन परिस्थितियों से निकले, क्योंकि बच्चे हमारे लिए एक सौगात हैं, जिनको मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चों के बिना हमारा जीवन वैसे ही अधूरा सा लगने लगता है, और जब इस तरह से बेवजह कोई बच्चा चला जाता है तो गुस्सा बहुत आता है कि किस तरफ समाज चला जा रहा है, और जिस तरह से मैनेजमेंट इस स्कूल में पेश आ रहा है, मुझे लगता है कि इनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को जाना चाहिए, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो, और मैनेजमेंट जिस तरह से सोता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, वो रवैया भी बहुत सोचने वाला है। इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा, प्रशासन को सोचना पड़ेगा, पुलिस को सोचना पड़ेगा, कि तमाम ऐसे मामले होते हैं जिनमें वो इतनी जल्दी कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है, लेकिन अभी तक इस घटना के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, यानी गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई है। एक मैसेज प्रशासन को भी देने की ज़रूरत है, सरकार को भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने बच्चों को सीख सिखा सकते हैं, हम माँ बाप को टिप्स दे सकते हैं, लेकिन कुछ काम सरकार के पास हैं, कुछ ताकत सरकार के पास है, उसका इस्तेमाल इस तरह के कामों में ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारा ये जो बच्चों के प्रति जो असंवेदनशील लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अब बात करते हैं आज के रियल हीरो की, लखनऊ के हजरतगंज थाना प्रभारी आनंद शाही, जो अपनी माँ की मौत के 48 घंटे के भीतर छुट्टी से वापस लौट आए और बच्चे को किडनैपर्स के चंगुल से बचाया। देखिए रिपोर्ट। पुलिस किसी भी राज्य की हो, खाकी पर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। घुसखोरी और फर्ज के बीच खाकी अक्सर दागदार होती रही।
लेकिन लखनऊ के सुपर कॉप ने अपने फर्ज के जरिए लोगों के नजरिए को बदलने की कोशिश की है। ऐसे पुलिस वाले सही मायने में समाज के रियल हीरो हैं। मामला लखनऊ की हजरतगंज का है, जहां थाना प्रभारी आनंद शाही अपनी मां की मौत पर सदमे में थे। इसी बीच उनके थाने पर बच्चे के अपहरण की शिकायत आती है। आनंद शाही छुट्टी पर होते हुए भी अपने काम पर लौट आते हैं। अपनी सूझबूझ से आनंद ने न सिर्फ बच्चों को अपहरणकर्ताओं की चंगुल से छुड़ाया, बल्कि आरोपियों को भी धर दबोचा। हम अवकाश में थे, इसी बीच को ये ज्ञात हुआ कि मेरे थाना क्षेत्र से एक बच्चे का लामाटिनरी स्कूल के बच्चे का अपहरण हो गया। किसी बच्चे को खोने की कितनी पीड़ा होती है ये उसके अभिभावक को ही ज़्यादा समझ में आती है। इस स्थिति में मैंने ये सोचा कि मुझे इस जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपने छुट्टी से बीच में आ गया और वापस आकर अपने इस कार्य को। अपनी ड्यूटी पर हमेशा मुस्तैद रहने वाले आनंद शाही की वीरता का लोहा उनके अफसर भी मानते हैं। पुलिस विभाग की एक बहुत बड़ी विडम्बना है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है विभाग के सामने भी, कि जहाँ हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं सबसे ज़्यादा हमसे रहती हैं, और उसमें जिस तरह का बरप्पन और जिस तरह का त्याग हमारे इंस्पेक्टर हजरतगंज आनंद शाही ने किया है, निश्चित रूप से हम सभी पुलिसकर्मियों के लिए गौरव की बात है। इंस्पेक्टर आनंद शाही ने एक बच्चे को बचाकर अपने फर्ज और इंसानियत की रक्षा की। जब तक वर्दी में आनंद शाही सरीखे अफसर समाज में मौजूद रहेंगे, लोग हमेशा महफूज रहेंगे। सत्यमेव जयते इंस्पेक्टर शाही की वीरता और धैर्य को सलाम करता है। सत्यमेव जयते के लिए लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। तो आज आपने देखा हमारे रियल हीरो आनंद शाही को, जो कि हजरतगंज में इंस्पेक्टर हैं, और उन्होंने अपनी मां की मृत्यु के बाद भी एक बीड़ा उठाया किडनैपर्स से बच्चों को छुटाने का, बच्चों को छुड़ाया, उस बच्चे को मुक्त कराया और फिर एक मिसाल कायम की। क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन एक चेहरा पुलिस का ये भी है, लेकिन एक चेहरा ये भी है जिसने बच्चे को बचाया है, और एक चेहरा जो हमने देखा दिल्ली के स्कूल में, वो बच्चों को इतना परेशान कर देते हैं कि उनको खुदकुशी करनी पड़ती है। तो आप सोचिए समाज में इस तरह के चेहरों को हम किस तरह से बेनकाब करें। अगर आपको लगता है कि आसपास आपके कहीं इस तरह के दरिंदे घूम रहे हैं, चाहे वो स्कूलों में ही घूम रहे हों, तो आप ज़रूर जाइए पुलिस को बताइए, आसपास के जो संभ्रांत लोग हैं उनको बताइए, और बच्चों को तुरंत अपने माँ बाप को बताना चाहिए। और अगर कोई नहीं सुनता है तो सत्यमेव जयते की टीम को बताइए, हमें संपर्क कीजिए, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उसको उसके अंजाम तक पहुँचाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आप अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और जीमेल पर जो नीचे एड्रेसेस लिखे हैं उस पर अपना फीडबैक भेज सकते हैं। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।